नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज और मैं हूँ यति आपके साथ। आज हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी मौजूद हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच चिराग जी। हम ये जानना चाहते हैं कि लोग ये कह रहे हैं कि 2024 में जो चुनाव होंगे उसमें चिराग पासवान की जो रणनीति है वो बीजेपी के साथ वो राजनीति करके आएंगे, तो क्या ये मतलब जो भी कयांच लगाया जा रहा है ये सच है? देखिए, ये तो अभी खैर भविष्य की गर्व वाला विषय है, चर्चा इस पर हो रही है। इस बात को मैं झुठलाऊंगा नहीं और इस बात को मैंने कहा भी है कि मेरी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा हो रही है। बहरहाल, पार्टी ने फिलहाल उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन करने का हम लोगों ने फैसला लिया है, और पर गठबंधन को लेकर कई और महत्वपूर्ण विषय हैं जिसपे क्लैरिटी आना ज़रूरी है, और उन तमाम विषयों पर अभी फ़िलहाल केंद्रीय नेतृत्व के साथ चर्चा चल रही है। और अगर वो चर्चा ठीक रही, सारी चीज़ें अगर पार्टी में और गठबंधन के हित में अगर सारी बातें अगर होती हैं तो यकीनन उसके बाद उसकी घोषणा की जाएगी। जी, एक सवाल और था, हम ये बचाना चाहते हैं कि नीतीश कुमार क्या अपनी कुर्सी बचाने के लिए आंखों पे पट्टी बांधते हैं, क्योंकि इतने क्राइम हो रहे हैं और ये जो गठबंधन की जो सरकार बनी है इसके बाद इतने ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए आंखों पे पट्टी बांध के सब कुछ नेग्लेक्ट करके इग्नोर करके चल रहे हैं? देखिए, कुर्सी से उनका प्रेम तो जग जाहिर है, ये बात तो किसी से छुपी है नहीं आज की तारीख में। और यकीनन जो भी फैसला मुख्यमंत्री जी लेते हैं वो अपने अपनी कुर्सी को सुरक्षित रखने की सोच के साथ ही लेते हैं। आज की तारीख में वो एक ऐसे गठबंधन के साथ जाकर वो मुख्यमंत्री बने हैं जिसके बारे में वही सवाल उठाते थे, जंगल राज कहते थे। हम लोग जब उनके विकास के कार्यों पे सवाल पूछते थे तो वो कहते थे, अरे जाओ जाकर अपने बाप दादा से पूछो कि 15 साल पहले का बिहार कैसा था। आज उन्हीं के साथ मिलकर वो सरकार चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनकी सोच बिहार का विकास नहीं, उनका व्यक्तिगत स्वार्थ है अपनी कुर्सी को कैसे बचा सकें। और उसी का ही परिणाम है कि आज बिहार में आए दिन हत्याएं हो रही हैं, लूटमार, डकैती, बलात्कार, एक के बाद एक घृणित घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है और मुख्यमंत्री खामोश हैं। इस बारे में वो चर्चा तक करना ज़रूरी नहीं समझते। ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनकी प्राथमिकता बिहार में सुशासन नहीं, उनकी प्राथमिकता बिहार में भ्रष्टाचार का खात्मा नहीं, बिहार का विकास नहीं, सिर्फ अपना स्वार्थ है अपनी कुर्सी को बचाना, और यकीनन उसी दिशा में काम कर। तो हम ये जानना चाहते हैं, एक आखिरी सवाल हम आपसे ये पूछेंगे कि ये सवाल सभी पूछते हैं, तो हमारा भी मन है कि हम ये सवाल ज़रूर आपसे पूछें, आपकी पर्सनल ज़िंदगी में कब आएंगे? प्लीज़ मत पूछे भाई, मैं बहुत थक गया हूँ इनसे। नहीं, वो तो है, हम जानना चाहते हैं इसके। मैं बिहारी हूँ, जिस दिन करूँगा डंगे की चोट पे करूँगा इतना ज़रूर कहता हूँ, बट फिलहाल मेरी प्राथमिकताओं में नहीं है ये आपकी प्राथमिकताओं में नहीं। ठीक है, चलिए। तो देखा आपने क्या कुछ कहा चिराग पासवान ने, तो आप बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।